नमस्कार। हिमालय को अपना पालना बना, बल खाती लहराती नहरें अपने नन्हे कदम संभाल, पहाड़ों की तलहटी से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में उतरती हैं। आगे चलकर ये एक ऐसी नदी का रूप ले लेती हैं जिसने अपनी बहाव की डोर से उत्तर भारत की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को बांध कर रखा है। गंगा ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि गंगा जमुनी द्वाब में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक जीवनदायिनी शक्ति है, जननी है। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि भारत की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से गंगा बेसिन का भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है जिसमें देश का 26% भूभाग समाहित है। गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा नदी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा के प्रवाह के दौरान देश के 11 राज्यों में बहने वाली अनेक सहायक नदियां जैसे अलकनंदा, रामगंगा, काली, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन और अनेक उप सहायक नदियां अलग अलग स्थानों पर इससे मिलती जाती हैं। यह देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक मिशन की शुरुआत की। इस बारे में पीबीएनएस ने नमामि गंगे के डायरेक्टर राजीव रंजन मिश्र से बात की। उन्होंने गंगा में जल के प्रदूषण के कारणों के बारे में हमें बताया। देखिए, गंगा के लिए जो चैलेंज है गंगा को रिजुवनेट करने का, दो तरह का है। एक तो इसमें जो जल है, जल की निर्मलता पे एक चैलेंज है, प्रदूषण होते हैं और प्रदूषण के कई कारण है, और दूसरा जल की कमी होना या इसके प्रवाह के ऊपर संकट पैदा होना। इन दोनों के ऊपर नमामि गंगे मिशन में काम कर रहे हैं। और जहां तक प्रदूषण का सवाल है, सबसे बड़ा जो कारण होता है प्रदूषण का, जल के प्रदूषण का, वो हमारे शहरों से जो सीवेज निकलता है, जो म्यूनिसिपल सीवेज निकलता है, उस प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना गंगा नदी में नालों के द्वारा सीधा जाना एक वो समस्या है। दूसरे जो कहीं कहीं पे जहाँ ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं उनके द्वारा भी जो प्रदूषित जल है पूरी तरह से ट्रीट किए बगैर या अच्छी तरह से ट्रीट किए बगैर नदी में जाना, उसका वॉल्यूम कम होता है लेकिन वो टॉक्सिक होता है। सीवेज आप अगर देखेंगे तो लगभग 70% के लगभग जो वॉल्यूम के हिसाब से जो पॉल्यूशन जाता है वो म्यूनिसिपल सीवेज से होके जाता है। इनके अलावा भी समस्याएं हैं, गाँव में भी हैं, गाँव के द्वारा भी पॉल्यूशन होता है, खेती के द्वारा भी जो हम केमिकल्स यूज करते हैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में, उनके द्वारा भी एक तरह से प्रदूषण होता है। या जो लोग डिफिकेट करते थे जिसपे अब काफी हद तक काबू पा लिया गया है ओपन डिफिकेशन पे, ये सब नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। गंगा की सफाई के लिए शुरुआती स्तर पर नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करने, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते मैले पदार्थ, शौचालयों के निर्माण, शवदाह गृह का नवीकरण, आधुनिकीकरण और निर्माण ताकि अधजले या आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोका जा सके, लोगों और नदियों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए घाटों के निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नमामि गंगे के तहत क्या काम हुआ है और कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हैं, इस बारे में वह कहते हैं। जहाँ तक प्रदूषण का और सीवेज की समस्या का प्रश्न है, हमने काफी प्रगति की है। उत्तराखंड के सारे प्रोजेक्ट जो गंगा टाउन हम बोलते हैं, हमने क्या किया कि गंगा के किनारे कितने टाउन है, 97 टाउन का आकलन किया, हर टाउन को स्टडी किया कि कहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत है, और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। तो उत्तराखंड और झारखंड में जो गंगा टाउन है वहाँ के सारे एसटीपी बन गए हैं और काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रदूषण पे काफी हद तक नियंत्रण हो गया। यूपी में भी बड़ी सफलताएं मिली है, स्पेशली जो मुख्य शहर है प्रदूषण के लिए, कानपुर हो गए, प्रयागराज हो गए और वाराणसी हो गया, वहाँ पे भी काफी प्रोजेक्ट हमारे पूरे हो चुके हैं, लगभग सारे प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। वाराणसी में भी अभी हाल में ही हमने रमना पे भी ट्रायल शुरू कर दिया एसटीपी का, जिससे असी नदी के जो प्रदूषण है उस पर भी मदद मिलेगी। कानपुर में सीसामऊ नाला और कई नालों को कंट्रोल किया गया है। प्रयागराज में लगभग पूरी सीवेज की व्यवस्था बन गई है। तो यूपी में भी हम कह सकते हैं कि 60% के लगभग हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हो गए हैं गंगा के ऊपर। गंगा की सहायक नदियों के ऊपर भी हमें काम करना है, उस पर भी काम चल रहा है। बिहार और बंगाल में भी हमने काफी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, कई प्रोजेक्ट वहाँ भी पूरे हो गए हैं। बिहार में हमने एक तरह से नए सिरे से काम किया है, क्योंकि पहले वहाँ पे केवल 60 MLD की कैपेसिटी थी जो गंगा टाउन, लेकिन हमने सारे टाउन पर प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं और लगभग 10 गुना कैपेसिटी बना रहे हैं। 650 MLD की कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बनाए जा रहे हैं और लगभग 150 MLD तक के प्रोजेक्ट हमने पूरे भी कर लिए।
इस कार्यक्रम के तहत इन गतिविधियों के अलावा जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, वन लगाना और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। गंगा की सफाई के लिए देश के सभी क्षेत्रों और हरेक नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस मुहिम से जुड़े, इसके लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे धनराशि का योगदान जिसके लिए स्वच्छ गंगा निधि बनाई गई है, जिसमें देश का कोई भी नागरिक गंगा नदी को साफ करने के लिए धनराशि का योगदान कर सकता है। नमामि गंगे के डायरेक्टर राजीव रंजन मिश्र कहते हैं कि आज सभी युवाओं को इस मुहिम से जुड़ना जरूरी है। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे गंगा क्वेस्ट। इसमें अभी तक 7 से 7.5 लाख युवा रजिस्टर कर चुके हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है लोगों को इस बात से जोड़ना कि हम अपनी आस्था के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझें और उसको समझते हुए अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं और उस हिसाब से एक जिम्मेदार व्यवहार करें, हम अपनी जिम्मेदारी समझें। हम नमामि गंगे में हमने काफी कोशिश की है कि तरह तरह से लोगों को जोड़ें। जैसे आज जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यार्थियों को और युवाओं को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना। और आज हम एक गंगा क्वेस्ट ऑनलाइन क्विज हमारा चल रहा है, देशव्यापी क्या विश्वव्यापी क्विज है, ग्लोबल क्विज है। कई देशों से भी लोग भाग ले रहे हैं और देश के कोने कोने से लोग ले रहे हैं। इसके द्वारा क्या है कि लोग जुड़ते हैं। पिछले बार भी करीब 11 लाख लोगों ने भाग लिया, इस बार भी हमारे ऑलरेडी अभी तो एक महीने और क्विज चलेगा, किंतु ऑलरेडी 7.5 लाख लोग अभी तक ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। एक मैसिव मूवमेंट होता है, लोगों को एक सोचने का मौका मिलता है। क्विज एक सीखने का माध्यम है, इंजॉय करने का भी माध्यम है, क्योंकि क्विज के 3 राउंड हैं। कुछ राउंड क्वालिफाइंग है जिसमें कि आप सीखते हैं, यू कैन करेक्ट योर आंसर एंड अगेन लर्न इन द प्रोसेस। ऐसी कई इस तरह की चीजों को हम कर रहे हैं, ट्रेवलॉग्स हैं, इस तरह से लोगों को जोड़ने का। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों के एक बार जुड़ाव बढ़े, जिम्मेदारी के साथ जुड़ाव बढ़े और एक बात समझ में आए कि गंगा की स्वच्छता रखना, निर्मलता रखना भी गंगा की पूजा करना है। तो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना। आज जरूरी है कि हम सभी हमारी सभ्यता, संस्कृति और विरासत की प्रतीक राष्ट्रीय नदी गंगा को सुरक्षित करने के लिए आगे आए और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे साफ रखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले मुद्दे में हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।